अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। अक्सर देखते हाँ कि हर कोई मंगण लई आया है ते मंगदा ही रहिंदा है। जिथों जो मिले, जिथे जो आस होवे, हर कोई उस थां ते मंगण दे लई तैयार रहिंदा। पर अज गल करांगे एक अजिहे फकीर दी जिसने उस खुदा दे कोलों कदी कुछ नहीं मंगिया। जदों उन्हें कभी कुछ मंगया नहीं तो फिर खुदा नू हैरानी हुई तो उसके नाल कुछ अजिहा वापरिया जिसके करके उसका नाम इस दुनिया से रह गया। हाँ जी, गल करांगा हजरत बजीद जी की गल करांगा कि जिन्होंने कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी दे विच उस मालिक दे कोलों कुछ मंगया ना, दुआ करके उठ खड़ना, जो मंगण की वारी आनी तो खलो जाना, तो कभी कुछ मंगना ना। तो जो उन्होंने उस खुदा दे अगे दुआ बेनती करन तो बाद मंगण की वारी तो उठ खड़ना, तो वह रब भी परेशान हो गया, हैरान हो गया कि एक अजिहा व्यक्ति है जो मेरे ते कर्ज चढ़ रहा है, जो बंदगी कर रहा है इहदा कर्ज है। कहिंदे ने कि जदों आपां किसी पीर फकीर की कोई बंदगी करते हाँ तो वह उस फकीर दे उत्ते एक कर्ज हो जाता, तो उसनू वह कर्ज आपां नू देना पैंदा। हुण वह मालिक भी परेशान हो गया कि यह व्यक्ति मंगदा कुछ नहीं, दुआ रोज़ कर जाता, जदों मंगण की वारी हो जाती है तो घर नू तुर जाता, इहदा कर्ज मेरे ते रही जाता। उसने अपने फरिश्ते नूं कहा कि जाओ इहनूं मंगण लई कह के आओ। ते जदों ओह आके उहनूं कहण लगे कि देखो रब बड़ा दयाल है, जो मंगेगा तेनूं मिलेगा, जिन्ना मंगेगा तेनूं देवेगा, तेरा कर्ज है उस ते बहुत बहुत, तेरी बंदगी है, बहुत तेरी इबादत है, मंग लै जो कुछ मंगना। ते उस व्यक्ति ने कहा, कहिंदा नहीं मैं कुछ नहीं मंगना, तुसी चले जाओ। फिर उन्होंने जाके दस्या कि मालिक उसने कुछ नहीं मंगया, सानू वापस भेज दिता। फिर दाता ने कहा, कहते एक दफा होर जाके आओ, मैं इस गल तो परेशान हाँ कि रोज मेरे तो मंगी जा रहा, मेरे ते कर्ज चाड़ रहा है, मैं किदां वापस करांगा, उसका मेरे ते एहसान हो रहा है। देखो बंदगी का भी आप रब से एहसान करते हैं जे करते हाँ, क्योंकि उसके कर्ज चढ़ रहा, उसनू याद किया, कितनी दफा याद किया, लिखा जाएगा। तो वह जो दोबारा फरिश्ते आए आके कह लगे भी तू मंग लै, बे उस मालिक ते अज खुश है। वह कहता मैं की मंगना, इन्ना ही बहुत है कि वह मेरे ते खुश है, मैनू मिल गया बस, कि वह मालिक मैनू याद करता, मैं मालिक नू याद करता, वह मेरे ते खुश है, मैनू होर चीज़ की लोड़ नहीं, इस दुनिया में चीज़ों की मैं कोई लोड़ नहीं, मैं कुछ नहीं लेना, वो मालिक मेरे ते खुश है, मैं इस गल च खुश हाँ। तो जो ये गल देख के उसने रब नूं भी हैरान करता, कहिंदा मैनू लोड़ ही नहीं, हाँ मालिक मेरे ते खुश है, मैं इस गल च खुश हाँ, मैं कुछ नहीं मंगागा। तो कहिंदे कि रब भी उस व्यक्ति ते हैरान रह गया कि जिन्हें कभी कुछ मंगया ही नहीं, सारी उम्र कुछ मंगया ही नहीं, तो जे आपां कुछ नहीं मंगते हुण इस गल तो आपां नुक्ता की लैणा कि जे आपां उस मालिक तो कुछ नहीं मंगदे ते वह आपां नूं देण लई तैयार है, कि वह आप खजाने खोल दिंदा कि तू मंग भाई तू लै। पर आपां की करदे आ कि आपां बंदगी इबादत तां बहुत दूर की गल है, आपां सवेर तो लैके शाम तक मंगदे रहिंदे हां। आपां जदों किसी चीज़ की लोड़ पैंदी है कि रब्बा आ चाहिदा, रब्बा आ चाहिदा, पर रब की चाहुंदा वह नहीं आपां नूं पता। वो चाहुंदा कि तू दो घड़ियां कढ मेले बंदगी कर, वो कहिंदा भी दो घड़ियां बंदगी कर लै, जे नहीं हुंदा फिर वह कहिंदा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी सेवी हो आद वक्त जनों की गोष्ठी जिन की ने सो लाओ, कि उस मालिक की बंदगी करन लई जे ते तो टाइम जिन्ना घट तो घट समा तेनू मिलता तो बंदगी कर लै, ओदा मुल भी तेनू देण लई तैयार है। पर आपां की करदे आ कि आपां कई कई घंटे व्यर्थ दीआं गल्लां दे विच गवा दिंदे आ जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं, ते जे दो मिनट ओहदे नाम लई कढणे होण ते नहीं।
अपने को निकलते। कई तो इदां दे भी ने जेडे किते सत्संग ते जां किते होर धार्मिक प्रोग्राम ते जाना हुंदा ते ओह कहिंदे हजे रुक लो, रुक के चलदे आ, हजे उत्थे की करना, हजे तां ओह कथा चल रही है, हजे तां ओह दीवान चल रहा है। सो ओह मालिक देण नूं तैयार है, आपां नूं मंगणा नहीं आउंदा। जिने मंगणा सिख लिया, जिने सुनना सिख लिया ते ओह पा गया। इसलिए यह छोटी जी गल आप जी ने साझी की, आस करांगा कि आपको चंगी लगी होगी। कमेंट करके जरूर दसना। तो जल्द हाजिर होंगे नवे किस्से के नाल। तद तक लिए हक मुर्शिद सच मुर्शिद।